शेख साहब की जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, एटमी असासे हमारे खतरे में हैं। शेख रशीद ने इन खतरात से खबरदार कर दिया है। गुजरांवाला में हुआ था जलसा कल और उस जलसे से खिताब में बोले कि साजिश करने वाले हुकूमत से कहेंगे कि आप मईशत नहीं चला सकते, एटमी असासे हमारे हवाले कर दें, अगर लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख ना दी तो इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। सब जरदारी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है। कहता है बाइडन ने मुझे फोन नहीं किया कि मैंने मरासला भेजा और वो बिल्लोरानी को अमेरिका भेजा है। जिस बेवकूफ ने ये प्लान बनाया था इमरान खान को हटाने का, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। मैप में केसेस खत्म करवाने के लिए बैठे हैं, बुलाओ अब नवाज शरीफ को, वहाँ क्यों लंदन में बैठा हुआ है ना। बम एम बूट पॉलिश करने वाले खानदान को हमेशा के लिए रद्द कर दिया। आज डॉलर 206 रुपए का हो गया है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। जिन लोगों ने साजिश की है वो कहेंगे कि आप मईशत नहीं चला सकते, आप अपने एटॉमिक असासे हमारे हवाले करो। अगर तुमने इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाब की तारीख ना दी तो फिर इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ।